दोस्तों शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है। अलग अलग धर्मों के लिए अपनी अपनी मान्यताएं और रस्मों रिवाज होती है। लेकिन क्या आपने कभी उस परंपरा के बारे में सुना है जहां शादी करने के लिए लड़का अगर किसी लड़की को किडनैप कर ले तो कोई गुनाह नहीं माना जाता है। दरअसल इंडोनेशिया के सुम्बा नाम के टापू पर यह विवादास्पद परंपरा अभी तक जारी है। यहां अगर किसी पुरुष को कोई महिला पसंद आ जाती है तो वह उस महिला का अपहरण करने के बाद उसे शादी कर लेता है। यहां की किडनैप मैरिज पुरानी परंपरा से जुड़ी हुई है। हालांकि यह प्रथा अजीब कम विवादित ज्यादा है। यहाँ शादियों के लिए दुल्हनों को किडनैप किया जाता है। इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए लंबे समय से कोशिशें चल रही है। शादी की इस विवादित प्रथा को यहाँ काविन टांकोफ कहा जाता है। ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसको लेकर कई तरह की कहानियां हैं। इस प्रथा के अनुसार शादी के लिए इच्छुक व्यक्ति उसके दोस्त और परिवार वाले बलपूर्वक किसी भी महिला का अपहरण कर लेते हैं। दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी, ऐसी हमारी जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें।